हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें कॉमन सी मिस्टेक आपसे होती है उस चीज़ को क्लियर करने वाली। बच्चों वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स, कॉमन मिस्टेक्स को आज हम क्लियर अप करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3/5/7। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब दोनों डिजिट्स फ्रैक्शन में दिए हों और उसको डिवाइड करना हो, तो बच्चों क्या करना है, जो डिनोमिनेटर नंबर है उसको पहले न्यूमरेटर से सॉल्व करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा आ जाएगा 2 × 7 और नीचे हमारा आ जाएगा बच्चों 3/5। ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, 2 × 7 = 14 एंड 3/5 = 15। जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हों उस सिचुएशन में हमें इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे अगर हमें आ जाता है 2/3/5/7, तब भी हम बच्चों क्या करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल इट मीन 7 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 14/15 हमारा आंसर। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ चुका है, 14/15। किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, इस मेथड से या इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसी तरह से है, फ्रैक्शन में दे रखा है और डिवाइड करना है 2/3/5। तो ये सिचुएशन ये होती है बच्चों, 2/3/5। अब 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम डिवाइड में क्या लगा देते हैं, 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 को 2 से और 3 को 5 से सॉल्व करेंगे। 2 × 1/3 × 5, 2 × 1 = 2, 3 × 5 = 15। तो बच्चों क्या आंसर आ गया हमारा, 2/15। अगर इसको दूसरे मेथड से करके देखना है तो 2/3 के साइन को मल्टीप्लाई करके और इधर वाला नंबर क्या हो जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल। इसका आंसर आ जाएगा 2/15। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो रहा है 2/5/7। ये फॉर्म है हमारे पास 2/5/7। अब बच्चों अभी हमने क्लियर अप किया था कि जहां हमें डिनोमिनेटर ना दे रखा हो तो हम उस सिचुएशन में डिनोमिनेटर अपनी तरफ से राइट करते हैं। तो 2/1 × साइन चेंज हुआ तो इधर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/7 का बन जाएगा 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 7 × 2 = 14 और 5 × 1 = 5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं और जो दूसरा मेथड मैंने बताया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 राइट करेंगे और 5/7 करके सॉल्व करेंगे। 2/1 ऐसे और ऐसे, लास्ट को फर्स्ट को लास्ट से और सेकंड को थर्ड से। इट मींस 2/2 × 7 / 1 × 5, तब भी बच्चों हमारा क्या आंसर आ गया, 14/5। इस मेथड से आप ये फ्रैक्शन, डिवीज़न वाली फ्रैक्शन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।